हैं कि यहाँ पर हम एक्सएनजी यूएसडी और नेशनल गैस फ्यूचर्स के इंट्राडे टारगेट्स मार्क करते हैं। तो आप देख सकते हैं आज मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग करी है, काफी नीचे तक गिरी भी है, लेकिन ये फर्स्ट कैंडल ओपन हुई है और गैप के बाद हुई है। आज मतलब 2 दिन का गैप था उसके बाद ओपन हुई है। तो लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में आपको हमेशा बोला है कि छोड़ दे, फर्स्ट कैंडल को कंसिडर ना करें, क्योंकि गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है जब भी 2 दिन मार्केट क्लोज रहती है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ स्ट्रांगली, मार्केट नीचे गिरी, लेकिन रीजंस की वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं आई। उसी के बाद मार्केट ने देखिए हमें एक हैमर टाइप कैंडल दिया, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट लेना शुरू कर दिया। यहाँ से फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे से इस कैंडल पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी टारगेट्स यहाँ पर हिट कर लिए। उसके बाद भी मार्केट काफी ऊपर तक गई है, आप देख सकते हैं मार्केट काफी ऊपर तक गई है, यहाँ तक के तो हमने लेवल्स मार्क भी नहीं किए थे। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल हमेशा मार्क हमने इग्नोर करनी है। और आप जैसे कि देख सकते हैं आज मार्केट ने इस चीज को काफी अच्छे से हमें समझाया भी है कि फर्स्ट कैंडल जब गैप के बाद ओपन होता है मार्केट, तो उसको इग्नोर ही करना है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट बाकी काफी ऊपर तक गई है। और अगर आप डे के चार्ट पे देखें तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्केट अभी आने वाले कुछ टाइम में काफी हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव्स दे सकती है, मार्केट के बुलिश होने के ज्यादा चांसेस हैं। उसका रीजन ये है कि डे के चार्ट पे देखिए हम कुछ लेवल्स मार्क करके चल रहे हैं, यहाँ पर मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड में चल रही है। यहाँ से आप नोटिस करेंगे, यहाँ से आप नोटिस करेंगे मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है। ड्रॉइंग जोन करते हैं, आप नोटिस कीजिएगा, देखिए यहाँ से मार्केट काफी नीचे तक आ रही है, यहाँ से नीचे तक आ रही है। उसके बाद यहाँ से अगर हम नोटिस करते हैं, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ चल रही है। और अगर थोड़े से और शॉर्ट टाइम पे चलते हैं तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है। और अगर इसकी बात करें तो देखिए मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर तोड़ा है। और यहाँ पे देखिए एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न भी बन रहा था, आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दूँ। देखिए मार्केट नीचे तक आई, ऊपर गई है, फिर नीचे आई, अब फिर से ऊपर गई है। तो यहाँ पे एक तरह का डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन रहा था जिसको मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश करी है, और इसको यहाँ से मार्केट काफी बुलिश होती हुई नजर आ रही है। तो आने वाले टाइम में मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट हमें बाई साइड के ट्रेड दे सकती है। ठीक है, तो इस चीज को हम ध्यान में रखिएगा। और अभी हम कल के लेवल्स मार्क करते हैं यहाँ से कि कल क्या मूवमेंट्स आ सकती हैं। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स थे जो हमने ऑलरेडी मार्क कर रखे थे, पुराने लेवल्स हैं हमारे। तो अभी के लिए हमारे पास जो डिसिसिव लेवल्स रहेंगे उनको हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। सबसे पहला जो लेवल रहेगा हमारा सेल साइड के लिए रहेगा 2.342। उसके बाद ये जो लेवल है हम इसको ड्रा करके थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, और 2.359 को भी हम शिफ्ट करके ड्रा करके थोड़ा सा 2.356 पर रखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स आ गए हैं। अगर मार्केट अपसाइड पर ट्रेड एक्टिवेट करती है तो 2.356, 2.375, 2.388 ये हमारे बाई साइड के ट्रेड रहेंगे। सेल साइड पर ट्रेड एक्टिवेट करती है तो 2.325, उसके बाद मार्केट और नीचे गिर सकती है अराउंड 2.307, 2.299 ये रहेंगे हमारे सेल साइड के ट्रेड्स, इनको आप मार्क कर लीजिए। साथ ही हम डिस्कस करेंगे नेचुरल गैस फ्यूचर्स के टारगेट्स। नेचुरल गैस फ्यूचर्स पे एक बार शिफ्ट करते हैं। यहाँ से देखिए मार्केट ने काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड के मूव्स हमें दिए हैं। बाई साइड सेल साइड का ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ यहाँ पर। उसके बाद मार्केट साइडवेज चली गई बहुत ही लो वॉल्यूम के साथ, बहुत लो वॉल्यूम के साथ। और आप देख सकते हैं किस तरह की कैंडल्स बनी है, सारी की सारी वीक कैंडल्स बनी है, लॉन्ग विकेट कैंडल बनी है और बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा बना है। तो इन कैंडल्स पे हम कभी भी ट्रेड में प्लान नहीं करते हैं। उसके बाद बाई साइड पे ट्रेड एक्टिवेट हुआ, यहाँ पर इस टाइम पर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है और वॉल्यूम आप देख सकते हैं बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके बाद मार्केट ने बाई साइड का ट्रेड दिया, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट हिट हुआ, थर्ड टारगेट हिट हुआ है। थर्ड टारगेट पे आकर मार्केट अभी रेजिस्टेंस देती हुई नजर आ रही है। तो MCX ने काफी अच्छे से रिस्पॉन्स दिया हमारे टारगेट्स को, हमारे लेवल्स को। अब हम बात करते हैं कल के लेवल्स के लिए, मार्किंग करेंगे। सबसे पहले डिसिसिव लेवल हमारा 187.4 हमारा एक डिसिसिव लेवल रहेगा बाई साइड के लिए। सेल साइड का हमें ये वाला जो लेवल आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, इसको हम थोड़ा सा हिस्ट्री चेक करेंगे। हिस्ट्री बनाएंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला और हिस्ट्री बनाएंगे सपोर्ट मिला, यहाँ से हम इसको लेवल को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा डिसिसिव लेवल रहेगा सेल साइड के लिए। अब हमें सिर्फ मार्किंग करनी है, अगर सेल साइड पर ट्रेड एक्टिवेट होता है तो 185.1, 182.7 और 180.2 ये हमारे रहेंगे सेल साइड के ट्रेड्स, इनको आप मार्क कर लीजिए। और बाई साइड के लिए ट्रेड अगर एक्टिवेट होता है तो 189.3 फर्स्ट टारगेट, 190.8, 192.6 और 194.8 ये रहेंगे हमारे बाई साइड के ट्रेड्स।
इनको आप मार्क कर लीजिए। इसके साथ ही हमारे डाटा एनालिसिस की वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं है, लेकिन हाँ यूरोप का डाटा आ रहा है, सीपीआई का डाटा आ रहा है, तो इम्पैक्टफुल ट्रेड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप क्लिक कर देंगे तो आप इजीली अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे जो वीडियोस हैं वो टाइमली आप तक पहुंच सके और आप एक अच्छे ट्रेड्स में एंट्री ले सके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मार्क्स ऑफ प्रॉफिट्स अर्न कीजिए। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।